Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. We had started this chapter solid state in class 12th chemistry and continuing with the same, aaj ka topic is very very important. We are going to talk about close packing, theek hai? And then we will go on to derive packing efficiency for different type of cubic systems. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन द वर्ड व्हाट इज क्लोज पैकिंग. आपको पता है कि सॉलिड्स में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड. ठीक है, सो दैट सिंस दे आर टाइटली पैक्ड इट इज नोन एज क्लोज पैकिंग. ठीक है, राइट. अब हम क्लोज पैकिंग देखते हैं, वन डायमेंशन में कैसे होती है, टू डायमेंशन में कैसे होती है और थ्री डायमेंशन में कैसे होती है. ठीक है, अगर हम शुरू करें वन डायमेंशन से, ठीक है, सो देयर कैन बी ओनली वन टाइप ऑफ वे ऑफ पैकिंग इन वन डायमेंशन, दैट इज दिस. लेट्स से दीज स्फीयर्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे कुड बी एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये कैसे पैक्ड होंगे, ये वन डायमेंशन में पैक्ड है, सो दिस इज द ओनली वे आउट. ठीक है, अब हम एक टर्म शुरू यहाँ सीखते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या नंबर ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज टचिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लेती हूँ. लेट्स से मैंने ये वाला पार्टिकल ले लिया, इसको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, वन एंड टू. तो इसका वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, टू. ठीक है, राइट. अब हम देखते हैं टू डायमेंशंस या टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, राइट. सो टू डायमेंशनल में लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एक यहां बना लेती हूँ एंड लेट मी मेक वन हेयर. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रो, तो आपकी सेकेंड रो क्या हो, कैसे हो सकती है. वन वे इज कि सेकेंड रो जो है बिल्कुल फर्स्ट रो से सिमेट्रिक है. ठीक है, सो वन ऑप्शन इज कि जो पहला पार्टिकल है वो बिल्कुल दूसरे वाले के नीचे और दूसरी रो के नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली तीसरी रो एंड सो ऑन. सो कैन यू सी देयर इज अ सिमेट्रिक वे इन विच दे हैव बीन अलाइंड. ठीक है, सो अगर लेट्स से ये पहली वाली रो जो है, ये वाली अगर मैं इसको ए कहूँ तो दूसरी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो दूसरी भी क्या हो गई, ए. सो दिस इज नोन एज ए ए टाइप पैकिंग. ठीक है, नाउ इसमें हम कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं. लेट्स से आई टेक दिस पार्टिकल. ठीक है, इसको कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं, वन टू थ्री और फोर. इस स्फीयर को ये चार स्फीयर्स टच कर रहे हैं. सो इफ यू जस्ट जॉइन देम व्हाट यू गोइंग टू गेट, यू गोइंग टू गेट अ स्क्वायर. तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ठीक है, कौन सी टू डायमेंशनल पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या ए ए टाइप ऑफ पैकिंग. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फोर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिशन्स का. ठीक है, नाउ द सेकेंड वे इज कि ये जो पहली लेयर है इसके डिप्रेशंस में मैं अपनी सेकेंड लेयर बनाऊं. ठीक है, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू ड्रॉ सच सिमेट्रिक डायग्राम्स, बट फॉर मोर क्लैरिटी आप अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं.
ठीक है, सो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना ये, बट आई होप यू गॉट द आइडिया. सिमिलरली इसके डिप्रेशन में आपकी नेक्स्ट लेयर हो गई. ठीक है, सो नाउ अब आप देख सकते हैं, लेट्स से द फर्स्ट लेयर इज ए, सेकेंड लेयर थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज बी. थर्ड लेयर फिर से, ये थर्ड लेयर है बिल्कुल फिर से ए जैसी हो गई, है ना. सो दिस इज नोन एज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, क्योंकि ए बी के बाद फिर से ए आ रहा है, फिर से बी आएगा. ठीक है, सो ए बी टाइप पैकिंग. अब इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं. सो लेट्स टेक दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल ले लिया, इसको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, राइट, 6 पार्टिकल्स आर टचिंग, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. अब इसकी शेप देखते हैं, लेट्स जस्ट जॉइन द सेंटर्स एंड सी द शेप. कैन यू सी दिस इज अ हेक्सागन, तो हम इसको क्या कहते हैं, HCP, दैट इज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, सो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दिस इज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग. इसमें एक स्फीयर को 4 स्फीयर्स टच कर रहे हैं, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, और उसमें एक स्फीयर को 6 स्फीयर्स टच कर रहे हैं एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोज पैकिंग में, दैट इज योर 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, नाउ वी कम टू 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. असली में 3-डायमेंशनली होती है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेती हूँ 2-डायमेंशनल, ठीक है, सो इफ आई टेक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सो इफ आई टेक माई फर्स्ट लेयर एज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो हमारे 2D में थी, ठीक है, नाउ जब मैं इस पर सेकेंड लेयर बनाती हूँ, तो सेकेंड लेयर में मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह की पैकिंग में मैं सेकेंड लेयर को एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स पे रख रही हूँ. ठीक है, सो आई एम एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिंग, राइट. सिमिलरली अगर मैंने इस पे थर्ड लेयर बनानी है, तो मैं थर्ड लेयर को एग्जैक्टली सेकेंड लेयर के ऊपर रख रही हूँ. ठीक है, सो आई एम कीपिंग द थर्ड लेयर राइट ऑन टॉप ऑफ द सेकेंड लेयर. ठीक है, तो मेरी फर्स्ट लेयर है, उसके एग्जैक्टली ऊपर सेकेंड लेयर है, और एग्जैक्टली ऊपर थर्ड लेयर है. ठीक है, सो किस तरह की पैकिंग होएगी, सो लेट्स से फर्स्ट लेयर वॉज ए, सेकेंड भी ए है, और थर्ड भी ए टाइप ऑफ लेयर है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ठीक है, सो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. और ये किस तरह के क्यूबिक सेल्स में होती है, बेसिकली प्रिमिटिव सेल्स में होती है. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं, जिसमें एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स. ठीक है, राइट, एंड यू कैन सी देर इज़ अ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, एंड ऑल्सो एक के ऊपर एक है, सो देर इज़ अ वर्टिकल सिमेट्री. सो देर इज़ अ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री एंड देर इज़ अ वर्टिकल सिमेट्री इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग. ठीक है, ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज कि अगर मैं 2-डायमेंशनल कौन सी ले रही हूँ, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग. सो एज यू कैन सी ये कौन सा 2-डायमेंशनल है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, अब इसमें आपको ये खाली जगह दिख रही है, कैन यू सी दीज एम्प्टी स्पेसेस हियर, राइट. अब आप देख रहे हो कि ये एम्प्टी स्पेसेस दो तरह की हैं. ठीक है, सो वन इज लाइक दिस एंड द अदर वन इज लाइक दिस. ठीक है, मैंने इसमें जो इस तरह की एम्प्टी स्पेस है उसका नाम दे दिया टी. ठीक है, सो लेट्स से यहाँ आप देख रहे हो सारी जो ट्राइंगुलर एम्प्टी स्पेसेस हैं, मैंने उनका नाम दे दिया टी, और जो सारी इन्वर्टेड ट्राइंगुलर एम्प्टी स्पेसेस हैं मैंने उनका नाम दे दिया ओ. ठीक है, तो जो इन्वर्टेड ट्राइंगुलर एम्प्टी स्पेसेस हैं मैंने उनका नाम दे दिया ओ. अब जब मैंने इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगानी है,
एट अ टाइम मैं सिर्फ एक टाइप ऑफ एम्प्टी स्पेस को ही कवर कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स सी कैसे करते हैं। ओके, नाउ मैंने सेकेंड लेयर को यहाँ ब्लू कलर से बना दिया है। कैन यू सी हियर, अब मेरी जो ये ब्लू कलर से सेकेंड लेयर है ये क्या कवर कर रही है? इट इज़ कवरिंग माई टी टाइप ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस पोर्शन को उठा के यहाँ रख दूँ तो ये दिखने में कैसा है? इट्स लाइक दिस। ये पहली लेयर के आपके पास तीन स्फीयर्स दिख रहे हैं, राइट? और ये बीच में टी टाइप ऑफ एम्प्टी स्पेस है और इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन डाल दिया सेकेंड लेयर का। ठीक है, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस थी उसकी शेप क्या होगी? तो ये जो खाली स्पेस इसके अंदर एंट्रैप हो गई, ये जो वॉइड बन गया, व्हाट इज वॉइड? वॉइड इज द एम्प्टी स्पेस एनक्लोज्ड। ठीक है, तो ये जो एनक्लोज्ड एम्प्टी स्पेस है या वॉइड है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज टेट्राहीड्रल वॉइड। ठीक है, अब हम इसको टेट्राहीड्रल वॉइड क्यों कहते हैं वो भी देखिए। अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, सो लेट मी मेक द सेंटर्स। मैंने यही सेम चीज़ यहाँ बना दी, ये जो तीन सेंटर्स थे फर्स्ट लेयर के, ठीक है, और ये जो सेकेंड लेयर के स्फीयर का सेंटर है, तो ये कैसे है कि ये है कि एक बेस के ऊपर एक ट्राइंगल है और ऊपर एक वर्टेक्स है, तो वो सारे ऐसे उठे हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसी शेप बन गई? ये बेस में है और ये सब तरफ से ऐसे उठा हुआ है और ये किससे जॉइंड है? इस वर्टेक्स से जॉइंड है, है ना? सो कैन यू सी दिस थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, इज नोन एज टेट्राहीड्रन। ठीक है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज टेट्राहीड्रल वॉइड। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। ओके, नाउ इस एम्प्टी स्पेस को कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं? फोर स्फीयर्स आर टचिंग। ठीक है, नीचे वाले तीन और ऊपर वाला एक। तो इस टेट्राहीड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? फोर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड टू द ओ टाइप ऑफ वॉइड्स। ठीक है, आप ये ओ टाइप ऑफ वॉइड्स देख रहे हो, सेकेंड लेयर जो है इसको कवर नहीं कर रही। ठीक है, ये कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लेट्स सी हियर, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, लेट्स से विद अ रेड कलर। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू व्हाट हैज हैपेंड हियर। आप यहाँ देखिए, ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। ये एक, दो और तीन, ये तीन स्फीयर्स हैं आपकी फर्स्ट लेयर के। ठीक है, और इसके ऊपर ब्लू कलर के देखिए सेकंड लेयर के स्फीयर्स कैसे आए हैं इस ऑक्टाहीड्रल वॉइड पे। ये तीन स्फीयर्स ने बीच में क्या किया है? एक वॉइड एनक्लोज किया हुआ है, खाली जगह है इसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स मेक इट हेयर। मैंने क्या हाईलाइट किया है? आई हैव हाईलाइटेड दिस पोर्शन। सो देर आर थ्री स्फीयर्स और उसके बीच में ये ओ वॉइड है ना? अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर कैसी आई हुई है? सेकेंड लेयर के ये, कैन यू सी, एक, दो और तीन। ठीक है, इसके ऊपर सेकेंड लेयर के तीन स्फीयर्स हैं, एक, दो और तीन, और स्टिल इसके अंदर ये छेद जो है ये दिख रहा है। ओके, सो कैन यू सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट लेयर के ये रेड में मैंने तीन स्फीयर्स बनाए। ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, और उसके ऊपर सेकेंड लेयर के तीन स्फीयर्स बन गए और बीच में स्टिल यू कैन सी दैट वॉइड। सो दिस टाइप ऑफ वॉइड जो है इसमें कैसी स्पेस इनक्लोज्ड होती है? ऑक्टाहीड्रन की। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ऑक्टाहीड्रल
वॉइड, ठीक है, इट इज नोन एज ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब इस खाली स्पेस को कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं? 6 स्फीयर्स टच कर रहे हैं, 3 नीचे वाले और 3 ऊपर वाले, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्लियर है? ओके, नाउ अभी तक किस टाइप ऑफ लेयर्स थी? पहली टाइप ऑफ लेयर का नाम अगर ए था, दूसरी टाइप ऑफ लेयर उसको सुपर इम्पोज नहीं कर रही, तो दूसरी टाइप ऑफ लेयर क्या है? यहाँ पे बी है, ठीक है। नाउ किस तरह की थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होएगी? इट ऑल डिपेंड्स कि मेरी थर्ड लेयर जो है वो कैसे होएगी, ठीक है। सो ओके, सो दिस इज माई थर्ड लेयर, ठीक है। अब ऐसी थर्ड लेयर कब बनेगी? एक छोटा सा आपको हिंट देती हूँ, जब मैंने सेकेंड लेयर बनाई थी एक नए तरह के होल क्रिएट हो गए थे। कैन यू सी दीज न्यू टाइप ऑफ अगेन होल्स वर क्रिएटेड? लेट्स से मैं इनका नाम दे देती हूँ, सो दीज न्यू टाइप ऑफ वॉइड्स वर क्रिएटेड हेयर, ठीक है। जो मेरी फर्स्ट लेयर के साथ जब मैंने सेकेंड लेयर लगाई तो ये नए तरह के होल क्रिएट हो गए। कैन यू सी दिस? सो दीज न्यू टाइप ऑफ एम्प्टी स्पेसेस वर क्रिएटेड। अब अगर मैं इस एम्प्टी स्पेस को कवर कर दूँ, सो आई हैव कवर्ड दिस एम्प्टी स्पेस, कैन यू सी हेयर? दिस इज अगेन, इसको भी मैंने कवर कर दिया, इसको भी मैंने कवर कर दिया, राइट। अगेन अब ये जो है ये एम्प्टी स्पेस है, इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये एम्प्टी स्पेस है, इसको मैं कवर कर देती हूँ, राइट। उसके बाद यू कैन सी हेयर दिस न्यू एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड, इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो अब जब मैं वो नई तरह की तीसरी तरह की एम्प्टी स्पेस को ऐसे करके कवर कर रही हूँ, तो कैन यू सी व्हाट एम आई डूइंग? ये जो मैंने नए रेड स्फीयर्स बनाए हैं ये बेसिकली मेरे ब्लैक वाले पहली लेयर के स्फीयर्स के बिल्कुल ऊपर आए हैं। सो नाउ इफ आई एम कवरिंग दिस, सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सुपर इम्पोजिंग द फर्स्ट लेयर। तो मेरी फर्स्ट लेयर बिल्कुल थर्ड लेयर कैसी होएगी? जैसी मेरी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, राइट, ओके। सो इस तरह की पैकिंग को हम क्या कहते हैं? सो क्या आ गया? ए, फिर बी, थर्ड लेयर फिर फर्स्ट जैसी होएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बनाऊंगी तो फिर से बी आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज ए बी ए टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, राइट। इट इज नोन एज HCP और, ठीक है, और क्या, किस तरह की पैकिंग? ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, राइट। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन कि मैं अपनी थर्ड लेयर कैसे बनाती हूँ कि नए तरह के वॉइड्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इसमें। अब मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है कि मैं अपनी थर्ड लेयर कैसे बनाती हूँ? आई मेक माई थर्ड लेयर इन अ वे कि मैं, कैन यू सी क्या कर रही हूँ? मैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड को कवर कर रही हूँ, ठीक है। नाउ मैं क्या डिसाइड करती हूँ? मैं अपनी थर्ड लेयर कैसे बनाऊंगी? मैं अपनी थर्ड लेयर में अब फाइनली जो बेचारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स थे उनको ऐसे करके कवर कर दूंगी। सो माई थर्ड लेयर, सो इफ आई डिसाइड कि मेरी थर्ड लेयर क्या करेगी, पहली लेयर थी मेरी ए, दूसरी लेयर थी बी, अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं थर्ड लेयर कैसे बनाऊंगी कि जितने भी ये ओ टाइप या ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं मैं फाइनली इनको सेटिस्फाई कर दूँ, मैं इनके ऊपर ढक्कन डाल दूँ। कैन यू सी? अब जब मैंने ये ग्रीन से थर्ड लेयर बनाई है तो ना ये ब्लैक जैसी है ना ये ब्लू जैसी। कैन यू सी दिस इज ब्लैक द फर्स्ट लेयर, है ना, तो ग्रीन वाली इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रही, एंड दिस इज ब्लू
द सेकेंड लेयर, द ग्रीन लेयर इज नॉट सुपर इम्पोजिंग द सेकेंड लेयर। तो अगर मैं नए तरह के वॉइड्स को कवर करती हूँ तो वो पहली लेयर जैसे बनते हैं, लेकिन अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इनको कवर करूँगी, ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स को, ठीक है, अगर मेरी लेयर ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स को कवर करती है तो मेरी तीसरी लेयर जो है वो अगेन एक नई तरह की बन जाती है। सो इट इज़ सी टाइप, राइट। सो इस तरह की पैकिंग को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। सो इट इज नोन एज CCP और FCC, ठीक है, राइट, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। जो दोनों पैकिंग्स हैं, चाहे मैं ऐसी बना रही हूँ HCP पैकिंग, चाहे मैं CCP या FCC पैकिंग बना रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग दोनों की एफिशिएंसी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। सो एक बारी क्विकली फिर से रिवाइज करते हैं। अगर मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेस लिया था तो मेरी किस तरह की पैकिंग बनी थी, AAA टाइप ऑफ पैकिंग, जिसको हम क्या कह रहे थे, सिंपल क्यूबिक, सॉरी इट वॉज नोन एज अगर मैं AAA टाइप बना रही थी, इट वॉज नोन एज सिंपल क्लोज पैकिंग। इट हैड वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सिमिट्री और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है, कितनी होती है, 52.4, देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थ्री डायमेंशनल, अगर सॉरी मैं हेक्सागनल बेस ले लेती हूँ, 2D का मैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग का बेस ले लेती हूँ, तो उसमें फर्दर दो तरह की पैकिंग होती है, ABA टाइप ऑफ पैकिंग एंड ABC टाइप ऑफ पैकिंग। ABA इज नोन एज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग एंड ABC इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होती है, दैट इज 74%, क्लियर है, राइट। इसमें मोस्टली आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, मॉलीबिडेनम आ जाएगा, ठीक है। और जो इस तरह की है हेक्सागनल वाली में आ जाएंगे आपके पास, यू विल हैव सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके आप एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, पहली स्क्वायर वाला, उसमें एक है सिंपल क्लोज पैकिंग, और दूसरा आपका हेक्सागनल 2D ले लिया, उसमें फर्दर दो तरह की हैं, HCP एंड CCP और FCC, ठीक है, राइट। सो इसमें इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर इज द टाइप ऑफ वॉइड्स, दो तरह के वॉइड्स हमने देखे, टेट्राहीड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड, बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि टेट्राहीड्रल वॉइड की शेप जो होती है कैसे होती है, टेट्राहीड्रल की तरह होती है, ठीक है, एंड ऑक्टाहीड्रल की कैसे होती है, लाइक अ ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। टेट्राहीड्रल वॉइड में आपने देखा तीन जो स्फीयर्स थे उसके ऊपर मैंने एक स्फीयर डाल दिया, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसे बना, जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, कैसे, तीन स्फीयर्स ये और उसके ऊपर तीन स्फीयर्स डाले, तो जो बीच में स्पेस इनक्लोज है दैट इज एन ऑक्टाहीड्रल वॉइड और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब नई चीज हम नोट करते हैं, लेट्स से इफ n इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ यूनिट सेल, ठीक है, एक यूनिट पर्टिकुलर हमने एक क्रिस्टल लिया और उसके यूनिट सेल में लेट्स से नंबर ऑफ एटम्स n है, तो उसके टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2n, और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स उसमें कितने होते हैं, n, ठीक है, राइट। लेट्स से एक FCC का क्रिस्टल है, अब हमें पता है कि FCC में यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यू नो इट्स 4, तो उसमें टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने हुए, 2 into 4,
सो 2n 2 into 4 that is 8 and octahedral voids कितने हुए 4 ठीक है तो okay now let's start to the topic packing efficiency ठीक है now what is packing efficiency कि कितनी efficiently ये जो आपके constituent particles हैं ये कितने अच्छे से packed हैं ठीक है right so कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी राइट सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स ठीक है अगर आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है इट इज द वॉल्यूम और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इनटू 100 फर्दर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कैसे निकालोगे ठीक है पार्टिकल आपको पता है देयर स्फीयर सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल जो हम क्या ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल कैसे निकलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 सो दिस इज द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर पैकिंग एफिशिएंसी ठीक है तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो बस हम यहाँ से ये 100 हटा देंगे ठीक है सो पहले वाले से शुरू करते हैं द फर्स्ट वन इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है ठीक है तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम डेरिवेशन हमने की थी लेट्स से द एज एज कितनी है ए ठीक है सो ये आपकी एज ए होगी एज ऑफ द क्यूब इज ए एसी क्या हो गया एसी इज द डायगोनल दिस इज 90 डिग्री कैसे अगर आप इसको ऊपर से देखो इफ यू सी दिस फेस ठीक है ये फेस आपको कैसे दिखता है ऐसे दिखेगा और हमने फेस सेंटर्ड में क्या पढ़ा था ये जो इसके फेस का डायगोनल है इस पे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं सो ये कैसे हो जाएगा दिखने में इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस अगर मैं इसको ऊपर से देखूं इफ आई सी इट फ्रॉम द टॉप इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस जो फेस डायगोनल पे तीन एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं सो दिस इज ए एंड दिस इज ए ठीक है सो ए बी एंड सी तो आपका AC क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ AC square is going to be AB square plus BC square that is A square plus A square that is 2A square तो जिससे क्या इंप्लाई हो रहा है आपका AC क्या हो गया root 2A ये आपने पहले भी निकाला था now अगर मैं यहाँ पे ये स्फीयर्स ले लूँ तो ये इसके रेडियस है now this AC that is root 2a equals to how many radii it is equal to 4 radii ठीक है तो what is the relationship between a and r हम निकाल लेते हैं ठीक है तो आपका a क्या हो जाएगा 4 r upon root 2 ठीक है so इसको solve करो so आपका a क्या आ गया 2 root 2 ठीक है सो नाउ लेट्स पुट ऑल दिस इन द फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 ठीक है नाउ अभी तक हमने क्या निकाला हमने अभी तक ए और आर की रिलेशनशिप निकाली है एफसीसी में राइट नाउ यू नो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी कितना होता है 8 at the corners, contribution 1/8 plus 6 at the face center, contribution 1/2. ये हमने पहले भी सॉल्व किया था directly भी लिख सकते हो आप number of particles कितने होते हैं 4 होते हैं FCC में volume of one particle कितना हो जाएगा since it's a sphere, volume of a sphere is 4/3 pi r cube ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ
स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इनटू जेड ना हमने निकाल लिया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ दिस इज अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और ए की वैल्यू क्या आई थी, 2√2r, तो इसका क्यूब तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, फिर √2 × √2 = 16 √2r³. ठीक है, तो हमने क्या निकाला, वी हैव फाउंड आउट वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दैट इज 4/3πr³, z हमें पता है 4 है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने इन टर्म्स ऑफ r निकाल लिया. अब इस सारी वैल्यूज को, तीनों वैल्यूज को हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में डाल देते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3πr³ इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 4 ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज 16√2r³ × 100. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आता है, 74%. सो इफ द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज 74% और आपसे पूछा है कि एम्प्टी स्पेस की कितनी परसेंटेज है या स्पेस वेस्टेड कितनी हो जाएगी, 100 − 74 = 26%. ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके नीट के पेपर में, राइट. सो दिस इज द डेरिवेशन. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में आ जाती हैं आपको, राइट. सो डेरिवेशन में आपने डायग्राम बनाना है, आपने ये फिर से डिराइव करना है ए और आर की रिलेशनशिप, आपने अज्यूम नहीं कर लेना कि ए सी रूट ए है, यू हैव टू डिराइव इट अगेन ऑल्दो यू मे नो इट. ठीक है, और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यू कैन, ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली 4 इफ यू वांट. उसके बाद तीनों चीजें एक एक करके निकाल लो जो आपके फॉर्मूला में है, तीन ही चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ना, तो ये तीन चीजें हैं, ये आप निकाल लो और फॉर्मूला में डाल लो. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सीसीपी और एफसीसी. ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब हम दूसरी देखते हैं. नाउ दिस इज हेक्साडेसिमल क्लोज पैकिंग. ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, पर मेंशन किया हुआ है कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी और एचसीपी की सेम होती है, और एचसीपी की क्लोज पैकिंग के ऊपर आपको जेई में और नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन बोर्ड में शायद ना आए. ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आंसर करने हैं. ठीक है, सो मैंने ये फॉर्मूला रब नहीं किया, सेम फॉर्मूला यूज करना है. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है क्या क्या. वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, अगेन इट्स अ स्फीयर, वो सेम रहेगा, कितना रहेगा, 4/3πr³. उसके बाद जेड, हमने z निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन HCP. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया भी था कैसे, देयर आर 12 एट द कॉर्नर. कॉर्नर पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एट द कॉर्नर. और कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/6. आई टोल्ड यू इन अ हेक्साडेसिमल क्लोज पैकिंग जो कॉर्नर पे एटम होता है इट इज शेयर्ड बाय 6 हेक्सागन्स. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गई, 1/6 प्लस 1 और 2, ये दो फेस सेंटर पे है, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/2 प्लस 3 जो है यहाँ पे दिख रहे हैं ये बॉडी के सेंटर पे है, लेट्स मी जस्ट हाइलाइटेड विद ब्लू, 1, 2 and 3, दिस 3 आर एट द बॉडी सेंटर और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, कंप्लीट 100% 1. तो इसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, तो कितना हो गया, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 6, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल हो गया 4/3πr³. नाउ इस डेरिवेशन में चैलेंज रहता है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने का. ठीक है, सो अब हम अलग से करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सिर्फ इस डेरिवेशन में, क्योंकि ये क्यूब नहीं है, इट्स अ हेक्सागन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, अदरवाइज ऑल्सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, पहले हम आ जाते हैं एरिया ऑफ बेस पे.
Now can you see this is a regular hexagon. It is made up of 6 equilateral triangles. So kya ho jayega? 6 into equilateral triangle ka formula kya hota hai? Root 3 by 4 a square. Theek hai, isko solve kijiye. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So 3 root 3 upon 2 a square. Ye aa gaya area of base. ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करना होता है, हम एक बार a को इन टर्म्स ऑफ r निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, HCP में असली में कौन से एटम्स टच करते हैं, जो यहाँ पे होते हैं, जो इधर पे है कॉर्नर पे, सो दे टच ईच अदर। सो इफ दिस इज a, दिस a इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियाई, इट इज इक्वल टू 2r, कैन यू सी इन द डायग्राम। So A is equal to 2R. तो मैं यहाँ A की जगह क्या डाल देती हूँ, 2R. So it is 3 root 3 upon 2 into 2R whole square. ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2's of 4. ठीक है, या ऐसे भी काट सकते हैं हम, 1 2 काट देते हैं, right? इसको यहाँ नहीं काटते, confusion हो जाएगी आपको. So let's पहले solve कर लेते हैं. 2 2's of 4, 4 3's are 12, root 3 upon 2 r square, further इसको काट दो, कितना आ गया, 6 root 3 r square. ठीक है, तो आपका area of base कितना आ गया, 6 root 3 r square. ठीक है, अब हमने निकालनी है height, so this is the height. ठीक है, so ये आपकी height है. Now height कैसे निकालेंगे? अब can you see ये जो face के center पे है और ये body के center पे है, if you join these, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, you can see a tetrahedron. ठीक है, इस tetrahedron की height क्या होती है, height of a tetrahedron. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जेई में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि सेम है, अपने आप कर लो. ठीक है, अब अपने आप कैसे करना है, यहाँ देख के. अब ये टेट्राहीड्रन की हाइट, जिसको मैं स्मॉल एच से डोनेट कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए. इसका फॉर्मूला क्या है, रूट 2 बाय 3 ए, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन रूट में है. ठीक है, अब कैन यू सी ये जो आपका यूनिट सेल है, इसकी हाइट जो है, ये दो टेट्राहीड्रन से बनी हुई है. मैं एक बार बना के दिखाती हूँ. एक टेट्राहीड्रन यहाँ दिख रहा है आपको. अब ये आपका दूसरा फेस सेंटर का यूनिट सेल एटम है, इसको ज्वाइन कीजिए. ये आपको हो गए दो टेट्राहीड्रन, है ना. तो ये जो बड़ा वाला हाइट है एच, कैपिटल एच, ये किससे बनी है, दो टेट्राहीड्रन की हाइट से बनी है. तो यहाँ पे आपका कैपिटल एच क्या हो गया, 2 रूट 2 बाय 3 A. अब A की जगह क्या लिख दूंगी मैं, 2R, 2 root 2 by 3 into 2R. अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 is 4, 4 root 2 by 3 R. ठीक है, तो ये आ गई आपकी हाइट टेट्राहीड्रन की. ठीक है, नाउ ये आपका सॉरी पूरा रूट आएगा, अभी गलती होने वाली थी, बच गई. ओके, नाउ लेट्स सी हमने हमारा पर्पस क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना. अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस जो कितना था, 6 रूट 3 आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. हाइट कितनी है, 4 रूट 2 बाय 3 आर. ये रूट 3 और ये रूट 3 कट गया और कितना आ गया आपका, 24 root 2 r cube. ठीक है, ये आ गया आपका volume of unit cell. ठीक है, तो अब हम जो भी निकाला है हम इधर डाल देते हैं. तो packing efficiency क्या हो गई, volume of one particle that is 4 by 3 pi r cube into number of particles, कितने निकले थे आपके, 6 over volume of unit cell, कितना था, 24 root 2 r cube into 100. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 74%. ठीक है,
तो सेम है आपकी FCC, CCP और HCP की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम नेक्स्ट पर ओके, सो द थर्ड टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाया है जिसमें देयर आर एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड वन एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, हम जब बॉडी डायगोनल कैसे बनाते हैं, सो हमने ये AD बॉडी डायगोनल बना लिया जो हमने रिलेशनशिप बिटवीन AD और R की डेरिवेशन में भी करा था। ठीक है, तो ये आपका बॉडी डायगोनल है। ठीक है, राइट, एंड दिस इज योर फेस डायगोनल। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, इन अ बॉडी सेंटर्ड जो दिस इज 90 डिग्री, राइट, एंड ये हमारे पास √2a है। This CD is the edge, that is A. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम body diagonal निकालेंगे। ठीक है, right? So why is it important? अगर मैं इसी को यहाँ बना दूँ, let's say ये मेरा AD है, मेरा body diagonal, तो body center में 1, 2, 3, असली में ये वाले जो तीन atoms हैं, ठीक है, कौन से, ये वाले कौन से, मैंने यहाँ हाईलाइट भी किए हैं, ये तीन जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज AD इज एक्चुअली मेड ऑफ 4R, राइट, सो AD इज इक्वल टू 4R। अब देखते हैं ये AD क्या है। सबसे पहले हमने पहले वाली डेरिवेशन में निकाला था हमारा AC क्या है। ठीक है, so again I told you but we'll have to derive it all over again, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि in right triangle ABC AC square is AB square plus BC square, तो आपका solve करिए एक बार फिर से, क्या हो जाएगा 2A square, तो आपका AC क्या आ गया था √2A। now you know that triangle ACD, triangle ACD is right angled at C. तो AD square क्या हो गया आपका AC square plus CD square। ठीक है, you know that CD is what? CD is A, that is the edge of the cube, है ना? And AC is what? √2A। अब ये दोनों values को यहाँ डाल दीजिए, तो आपका AD square क्या हो जाएगा, so which you can put these two values here, it is going to be √2A square plus A square, that is 3A square, तो आपका AD क्या हो गया √3A। ठीक है, so very very important। अब मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था ये बॉडी डायग्राम में सारे टच कर रहे हैं, कितने R दिख रहे हैं, 4, so √3A equals to 4R, so which implies आपका A क्या हो गया, A हो गया 4/√3R। तो बेसिकली आपने यही निकालना था A और R की रिलेशनशिप, ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से R काट सके। ठीक है, नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है, ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास अभी सब कुछ आना है। ठीक है, तो यहाँ एक बार देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, सिंस इट्स अ स्फीयर, क्या हो जाएगा 4/3 πr³। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई टोल्ड यू वी विल डू अ स्मॉल डेरिवेशन फिर से, यहाँ कैसे 8 एट द कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 1 एट द बॉडी सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 कंप्लीट, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1 + 1 = 2, तो आपका जेड जो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने हो गए 2। सो व्हाट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हमने कहा था कि रैंक भी कहते हैं, कितना आया 2, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a³। ठीक है, सिंस इट्स अ क्यूब, और a की वैल्यू क्या है 4/√3r, तो इसका क्यूब, सो 4 4
इसको सॉल्व कीजिए, करने की जरूरत नहीं है, आंसर याद रख लीजिए क्योंकि आपका एमसीक्यू में बहुत आता है। ठीक है, कितना आ गया 68%। ठीक है, सो फार हमने क्या निकाला है, एचसीपी की कितनी है 74%, एससीसी या सीसीपी की कितनी है 74%। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग की कितनी एफिशिएंसी है 68%। अब क्या रह गया, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दैट। फोर्थ डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डू इज ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, सबसे आसान है ये। ओके, सो फर्स्ट लेट्स मेक अ क्यूब हियर। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, यू हैव एटम्स एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो हम यहाँ कॉर्नर्स पे एटम बना लेते हैं। राइट, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो लेट्स से दिस इज द एज, कौन से एटम्स टच करते हैं, द कॉर्नर एटम्स ओनली टच। तो ये जो एज थी ए के बराबर, दिस एज ए बी आई हैव मेड हियर, है ना, this AB is equal to A and this A is equal to 2R। ठीक है, अब packing efficiency is number of particles into volume of one particle over volume of unit cell into 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। राइट, नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, इफ यू सी 8 एट द कॉर्नर्स, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8, सो दैट इज 1। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितनी होती है, 4/3πr³। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इट इज ए क्यूब, और ए क्या है 2R, सो 2R³ क्या हो गया 8R³। ठीक है, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई, 1 × 4/3πr³/8R³ × 100। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 52.4%। तो नाउ यू कैन सी द लीस्ट एफिशिएंट इज सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एटलीस्ट दो दो बार डिराइव कीजिए। ओके, सो द लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, राइट, नाउ इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया है, हम यूनिट सेल एक क्यूब ले रहे हैं जिसकी एज क्या है 8 cm। ठीक है, नाउ यू नो दैट व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यही लगाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, सिंस इट्स अ क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब। उसके बाद मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे हम, इट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रैंक, दैट इज जेड। ठीक है, तो अगर हमें दिया हुआ है कि एफसीसी या सीसीपी है तो Z हो जाएगा आपका 4, अगर दिया हुआ है बीसीसी है तो Z क्या हो जाएगा 2, अगर आपको दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक है तो Z क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हो गया Z, मास ऑफ ईच एटम हो गया, वो आपने निकालना है। कैसे निकालोगे, मास ऑफ ईच एटम इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
Right, so mass of one atom is going to be molecular mass over Avogadro's number. So capital M क्या हो गया आपका atomic mass and ये क्या हो गया आपका Avogadro's number. ठीक है, so mass of each atom is atomic mass over Avogadro's number. क्योंकि what is atomic mass? It is the mass of one mole of atoms. That is 6.022 into 10 raised to power 23 atoms का mass होता है atomic mass. तो एक एटम का मास क्या हुआ एटॉमिक मास ओवर एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, तो दैट इज m अपॉन n नॉट. अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो हो गए z, एंड मास ऑफ वन एटम जो क्या हो गया m अपॉन n नॉट. तो ये आ गया आपका मास ऑफ यूनिट सेल. फर्दर हमने यहाँ लिखा था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. और मास ऑफ यूनिट सेल क्या निकला आपका जेड एम अपॉन एन नॉट. ठीक है, जहाँ एन नॉट क्या है आपका एवोगाड्रोस नंबर, कितना होता है ये 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है ए क्यूब. तो आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी इज जेड एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट, where z is rank, that is number of atoms in unit cell, m is molecular mass, ठीक है, of that element, a is the edge length, and n naught is Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23, और आपके units क्या आएंगे इधर grams per centimeter cube, ठीक है, इसका screenshot ले लीजिए, इसके आपको numerical आते हैं boards में, very very important direct question है. One of the things would be missing. कई बार आपको दिया होता है BCC ये है या FCC है, ठीक है, आपको A की जगह R दे देंगे, आपको D दे देंगे, आपको relationship पता है with A, तो आप पहले A निकालोगे, फिर इसमें उसको centimeters में convert करोगे और फिर इसमें डालोगे. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ लेट गो वी गो टू द न्यूमेरिकल्स. कई बार आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स में ना आपको दिया नहीं होता है कि FCC है कि CCP है, आपको दिया होगा NaCl टाइप स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ चार तरह के हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं. वन इज NaCl स्ट्रक्चर. जब आपको NaCl स्ट्रक्चर लिखा है क्वेश्चन में तो मतलब आपको क्या दिया है कि वो CCP या FCC है, तो उस केस में डेंसिटी के फॉर्मूला में आप रैंक क्या ले लोगे, 4 ले लोगे. ठीक है, राइट, तो ध्यान से देखते हैं NaCl स्ट्रक्चर कैसा होता है. क्लोराइड आयंस जो है वो सारी CCP या FCC साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो सोडियम आयंस हैं वो सारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लीजिए. ठीक है, आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा पर JEE में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ. ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर. ठीक है, इसका भी CCP या FCC अरेंजमेंट है, राइट, बट इसमें आप देखिए ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या है, 4. सल्फाइड आयंस आपकी CCP या FCC साइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जिंक आयंस जो है वो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसमें से आधे ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, सो जस्ट मेमोराइज देम डिटेल्स में. सो द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज योर सीशियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. इसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है आपका. सीशियम आयंस जो है वो कहाँ पे है, वो हर एक क्यूब के बॉडी के सेंटर पे है, और क्लोराइड आयंस जो है वो कॉर्नर्स पे है, दैट इज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, और इनमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर. CCP स्ट्रक्चर है, इसमें कैल्शियम आयंस अगेन CCP साइट्स पे है, और फ्लोराइड आयंस कहाँ पे है, टेट्राहीड्रल वॉइड्स की जगह है, और इसमें कैल्शियम आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और फ्लोराइड का 4 है. ठीक है, इससे ज़्यादा इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स में जाना बहुत बड़ी फुलिशनेस होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप एक बार लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा. वैसे बोर्ड्स के लिए इसकी यूटिलिटी सिर्फ इतनी है, कई बार आपको जेड निकालना है डेंसिटी के फॉर्मूला में तो आपको FCC की जगह वर्ड क्या यूज़ किया होगा, NaCl. सो चाहे NaCl दिया है, चाहे आपको ZnS दिया है, चाहे CaF2 दिया है, ये तीन स्ट्रक्चर्स में तो जेड आपका 4 ही रहना है, सिर्फ एक सीशियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में आपका जेड क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कॉम्पिटिशन्स में, नीट में आया था कि आपका कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट आउट कर देती हूँ. बेसिकली जब आयनिक कंपाउंड
कंपाउंड्स के आप क्रिस्टल्स देखते हो, आपको पता है कि एनायंस का साइज बड़ा होता है और केटायन का साइज छोटा होता है। तो यूजुअली एनायंस जो है वो लैटिस साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और केटायंस अगर बहुत छोटे हैं तो जो बीच में छेद हैं कौन कौन से, टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल छेद, ठीक है, तो वो वॉइड्स की जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। एंड वैसे भी टिपिकली ऐसे ही होता है, ज्यादातर एनायंस बड़े होते हैं और केटायन छोटे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड का है। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स इफ यू लुक एट एल्कली मेटल्स, दूसरा है अगर आप एल्कली मेटल्स देखो तो एल्कली मेटल्स के जो केटायंस हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स खुद ही बहुत बड़े हैं तो उनके केटायंस का साइज जो है काफी सारे एनायंस से बड़ा होता है। तो इस केस में उल्टा हो जाता है, जो केटायंस हैं वो लैटिस साइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो एनायंस हैं वो वॉइड्स में आ जाते हैं, ठीक है, राइट। इफ यू कैन सी ऑलरेडी जो है ग्रुप 16 17 का साइज छोटा है तो उनके एनायंस बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है। तो इस केस में स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड। हैड टॉक्ड अबाउट दिस रिलेशन, हमने बात की थी कि अगर नंबर ऑफ एटम्स, लेट्स से नंबर ऑफ एटम्स n है तो नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स होंगे 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होंगे n, ठीक है। अब हम इसी चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एफसीसी और सीसीपी। आपको पता है कि एफसीसी सीसीपी पैकिंग में आप दोनों टेट्राहीड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स दोनों यू कैन फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एफसीसी बनाया, एक यूनिट सेल बनाया है और मैंने क्या किया है, मैंने उनके फेस सेंटर्स जितने भी थे उन सबको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम टेट्राहीड्रल वॉइड को लोकेट करते हैं। सी जब मैंने इस यूनिट सेल में सारी चीज़ों को, सारे फेस सेंटर्स वगैरह को ज्वाइन कर दिया तो आपको यहाँ पे 8 क्यूब्स दिख रहे हैं एक यूनिट सेल में। अब मैं सिर्फ ये आगे वाला क्यूब उठा लेती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट पिक दिस फर्स्ट क्यूब, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला क्यूब, ठीक है। So I am just picking this first cube here. So can you see which cube I am talking about? I am talking about ये जो आगे वाला cube है. Now इस cube में, आगे वाले cube में हम जितने भी हमें atoms दिख रहे हैं हम उसको join करते हैं सबसे पहले, right? So I can see this, right? तो आपको क्या दिख रहा है, You can see these four. किसकी बात कर रही हूँ मैं, आगे वाले cube की बात कर रही हूँ और हम इस सबको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई ज्वाइन देम, मैं एक बार इसी सेम क्यूब को आगे बना लेती हूँ ताकि आपको पता लगे मैंने क्या किया है। जो सबसे आगे वाला क्यूब था मैं उसके एटम्स यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। वन इज दिस, ये एटम क्या है, ये फेस सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे कोई एटम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द फेस सेंटर, ये खाली स्पेस है, यहाँ पे एक एटम है, ये एटम कौन सा है, ये वाले फेस का सेंटर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस एटम पे, ये वाला एटम क्या है, नीचे वाले फेस का सेंटर है। और अब आ जाओ इस वाले एटम पे, ये वाला एटम क्या है, आपका कॉर्नर एटम है, ठीक है, राइट। सो ये 1, 2 एंड 3, ये तीन हैं फेस सेंटर्स और ये एक कॉर्नर एटम है। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, सो लेट्स ज्वाइन देम। कैन यू सी दिस इज अ टेट्राहीड्रल फॉर्म, सो ये आपका टेट्राहीड्रल वॉइड है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हमने कैसे किया था टेट्राहीड्रल वॉइड, तीन एटम्स हैं और उसके ऊपर एक एटम रख दें तो ये बीच में जो वॉइड है इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहीड्रन की। सो यहाँ मैंने आपको अभी बताया कि टेट्राहीड्रल वॉइड कैसे बना, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया कि इस यूनिट सेल में ऐसे कितने क्यूब्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, आपको 8 क्यूब्स दिख रहे हैं इसमें। अब हर एक क्यूब में एक टेट्राहीड्रल वॉइड है तो टोटल टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 1 हर एक में 1 × 8, दैट इज 8 टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ठीक है। नाउ लेट्स वेरीफाई दिस,
हमने यहाँ पे फेस सेंटर्ड लिया था. फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, लेट्स चेक. नंबर ऑफ एटम्स इज 8 एट द कॉर्नर्स और हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8. ठीक है, उसके बाद हर एक के फेस सेंटर में कितना होता है, राइट. सो कितने फेसेस हैं, हर एक फेस सेंटर में एक, कितने फेसेस, 6 फेसेस. तो 6 फेसेस, हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो गया, 1 + 3 = 4 हो गए. ठीक है, सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एन FCC? देयर आर 4 एटम्स. नाउ हाउ मेनी टेट्राहीड्रल वॉइड्स शुड बी 2n, लेट्स वेरीफाई. 2 × 4 = 8, और हमने कितने टेट्राहीड्रल वॉइड्स लोकेट किए, 8. सो ये हमारा आंसर जो है टैली हो गया, एंड आपको ढूंढना आ गया टेट्राहीड्रल वॉइड कैसे ढूंढना है. ठीक है, राइट. सो बेसिकली ये मैं आपको टॉपिक इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज आप पढ़ रहे हो टेट्राहीड्रल वॉइड, तो ये इमेजिनेशन में मत रखिए, इसको आप समझिए कि इफ़ नंबर ऑफ एटम्स इज n, देन नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स इज 2n. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आता नहीं है इसका, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब इसी तरह हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड लोकेट करने की कोशिश करते हैं. मीनवाइल ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोकेटिंग एन ऑक्टाहीड्रल वॉइड. हमने पढ़ा था ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसे होता है, जब आपके पास 3 एटम्स जो हैं नीचे वाली लेयर के हैं और उसको एक एटम नहीं ढक रहा, वो तो टेट्राहीड्रल बन जाएगा. अब क्या हो रहा है, इसको फर्दर इसके ऊपर, ठीक है, फर्दर हमने इसके ऊपर 3 एटम्स, ये जो बीच में खाली स्पेस दिख रही है यहाँ पे, दिस इज एन ऑक्टाहीड्रल वॉइड. ठीक है, राइट. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि देर इज अ, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो, यू कैन यूज योर NCERT डायग्राम ऑल्सो, किन आपको लगेगा कि ये 6, अगर आप एक ट्राइंगल और उसके ऊपर दूसरा ट्राइंगल देखने की जगह इसको ऐसे देखो कि एक ये स्क्वायर है, ठीक है, सो देर इज अ स्क्वायर और उसके ऊपर एक एटम है और नीचे एक एटम है. ठीक है, सो मतलब यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट देर इज अ स्क्वायर एंड वन ऑन द टॉप एंड वन बिलो. ठीक है, तो अब हम इसी ऑक्टाहीड्रल वॉइड को यहाँ लोकेट करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ 3 × 3 = 6, 4 + 2 = 6, आपके लिए आसान हो जाएगा लोकेट करना. ठीक है, इसको लोकेट करने का व्हाट इज द इजी वे आउट, पहले हम एक बार ही सारे फेस सेंटर्स को हाईलाइट कर लेते हैं. 1 इस वाले का, 2 ऊपर वाले का, 3 नीचे वाले का, 4 आगे वाले का, 5 एंड पीछे वाले का 6. ठीक है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड को लोकेट करना बहुत आसान है. ऑल यू हैव टू डू इज कनेक्ट ऑल द फेस सेंटर्स. ठीक है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बना लिया और ये इसके एक ऊपर है और एक नीचे है, सो लेट्स जॉइन दीज कर लेते हैं. एंड नाउ कैन यू सी, ये जो रेड में है ये क्या है, इट इज आर ऑक्टाहीड्रल वॉइड. ठीक है, राइट. तो ये तो हो गया कि जो यूनिट सेल है उसके बॉडी के सेंटर में आपको पूरा एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड मिला. सो यूनिट सेल के एक पूरा बॉडी के सेंटर के अंदर कैसे, अगर मैं सारे इसके फेस के जो बीच के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, इफ आई एम जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स, आई एम गेटिंग बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड मिल गया. ठीक है, नाउ लेट्स सी हम दूसरा ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसे लोकेट करेंगे. बेसिकली दूसरा ऑक्टाहीड्रल वॉइड हर एक एज पे होएगा, आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी. ओके, सो अभी हमने देखा कि एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर में था. अब देखते हैं कि बाकी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रेड इंक से बनाया है. कैन यू जस्ट सी दिस एज, एज क्या होता है, एक किनारा, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं ये एक एज ले लूँ, लेट्स हाईलाइट दिस, जो मैं एज बता रही हूँ, इस एज के आसपास, हर एक एज के आसपास एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड होता है. ठीक है, हाउ इज इट, देखते हैं. आपको यहाँ दिख रहा है रेड में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं 2 कॉर्नर एटम्स, उस एज के, जो एज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके 2 कॉर्नर एटम्स. ठीक है, और ये जो 2 फेस सेंटर्स हैं, ठीक है, उस एज के साथ जो 2 फेस लगे हुए हैं, राइट. सो इफ आई जस्ट टेक समथिंग क्यूबिकल,
ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली क्यूबिकल, इट्स क्यूबॉइडल, पर आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये एज है ना, इसके दो कॉर्नर एटम्स, राइट, तो कौन कौन से, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, एक यहाँ पे ये और एक ये, इस एज के ये दो कॉर्नर एटम्स और एक ये वाला फेस और ये वाला फेस जो इस एज को बना रहा है, तो जिन दो फेसेस को मिलके ये एज बन रही है उसके ये दो फेस सेंटर्स, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँ, प्लस इसके आगे जो साथ वाला यूनिट सेल है, ठीक है, तो इस यूनिट सेल के क्या ले रहे हैं, उस एज जो उस एज को बना रहे हैं वो दो कॉर्नर एटम्स और वो जो दो फेसेस के ज्वाइन होने से ये एज बन रही है उसके फेस के सेंटर्स, ठीक है, ये एज, इसके ये दो कॉर्नर एटम्स, इसके जो दो फेसेस हैं उनके सेंटर्स और आगे जो साथ में यूनिट सेल लगे हुए हैं साथ वाले यूनिट सेल के दो एटम्स, ठीक है, सो टू एटम्स फ्रॉम द फेस सेंटर्स, टू कॉर्नर एटम्स, ठीक है, एंड टू एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट सेल, ठीक है, तो कैन यू सी, ये दो फेसेस के सेंटर, ये दो कॉर्नर एटम्स और ये जो दो हैं ये एडजेसेंट सेल के एटम्स, तो कैन यू सी, यू हैव अगेन फॉर्म्ड अ ऑक्टाहेड्रन हेयर, अगेन अ सिक्स साइडेड शेप आ गई आपके पास, तो ये जो वॉइड है दिस इज ऑल्सो ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ठीक है, सो हाउ मेनी एजेस आर देयर, देयर आर 12 एजेस, अब हर एक एज पे एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, ठीक है, राइट, सो हर एक एज पे एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड, नाउ यू नो दैट, जैसे एक एज को मैंने आपको बताया था जब एज सेंटर्ड का न्यूमेरिकल किया था, एक एज को चार एटम्स जो शेयर करते हैं, चार यूनिट सेल शेयर करते हैं, सॉरी, सो वन एज इज शेयर्ड बाय फोर यूनिट सेल्स, तो एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितने यूनिट सेल्स शेयर करेंगे, फोर, तो 12 एजेस, हर एक एज पे एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड और उस यूनिट सेल में उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/4, आई एम रिपीटिंग, जिस तरह एक एज को चार यूनिट सेल शेयर करते हैं उसी एज पे जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है उसको भी चार यूनिट सेल शेयर करेंगे, ठीक है, सो 12 एजेस, हर एक एज पे एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड और उस ऑक्टाहीड्रल वॉइड की एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, 1/4, तो टोटल कितने ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स हो गए एजेस पे, 3, अब हम एक बार ही सम अप करते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे इस एफसीसी में, बॉडी के सेंटर पे प्लस एजेस पे, ठीक है, एक होता है बॉडी के सेंटर पे और टोटल 3 हमने अभी निकाले होते हैं एजेस पे, कितने हो गए, 4 ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, ठीक है, अब एक बार उस रूल से टैली करते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 4, ठीक है, कैसे होते हैं 4, हमने अभी देखा टेट्राहीड्रल वॉइड में, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4, क्या हमारे 4 निकले हैं, यस, नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स हमारे 4 निकले हैं, ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी यूनिट सेल में एटम्स आपके n है तो टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 2n, और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यू कैन मेक वेरी नीट डायग्राम्स, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है टॉपिक लोकेटिंग टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, यू कैन मेक नीट डायग्राम्स विद अ स्केल, ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स, ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस न्यूमेरिकल, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई मेक द सीसीपी एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स एज कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहीड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, क्वेश्चन देखने में भारी सा लग रहा है बट आपने दिमाग में क्या रखना है कि लैटिस साइड्स पे क्या है आपका, सो लैटिस साइड्स जो हैं उस पे क्या है आपका वाई है और जितने भी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स हैं उसमें क्या है एक्स है, ठीक है, आपको एचसीपी दिया है सीसीपी दिया है उसका आपने ध्यान नहीं देखना, आपने देखना है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स आप एन ले लो,
कितने भी हों, हमने तो रेशो ही निकालनी है, कंपाउंड में तो रेशो ही निकालनी है। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स n है तो ये n क्या हुआ आपका y, क्योंकि लैटिस साइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, y। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे, अभी हमने डिराइव किया था अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स वो भी n होते हैं, और ऑक्टाहीड्रल हर एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड में कौन बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स वाई, पहले केटायन आता है फिर एनायन आता है, सो द फॉर्मूला इज एक्स वाई। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एच सी पी लैटिस एंड दोज ऑफ ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स। अब वो क्या कह रहा है, आपके लैटिस साइट पे कौन है, लैटिस साइट पे है बी। ठीक है, और 2/3 ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स में है ए। ठीक है, आपको फॉर्मूला निकालना है, राइट। सो अगर नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल इज एन, तो आपका बी क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स एन है तो नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने हैं, 2n। ठीक है, सो 2/3 टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 2/3 इंटू 2n। मैंने 2/3 क्यों निकाला, क्योंकि उसने कहा है कि जो a है वो 2/3 voids में है, तो सिर्फ 2/3 of 2n are occupied, तो कितना हो गया, 4/3n। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका a, क्योंकि a किस में है, 2/3 of tetrahedral voids में, that means 2/3 of 2n में, तो कितने हो गए a, 4/3n। अब फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a और b का, a हो गए 4/3n और b हो गए n। ठीक है, राइट। अब मैं इस दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्यों, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमूव द फ्रैक्शन। सो करो a 4/3n इंटू 3, b n इंटू 3। ठीक है, यहाँ से 3 और 3 कट गया, दोनों में n कॉमन है, आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया आपका a 4b 3। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका आ गया फॉर्मूला। यहाँ भी अगर आप n के मेथड से जाओ तो आप कर सकते हो, x n है और y n है, ये मैंने स्टेप स्किप कर दिया था, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, n बाहर ले लिया तो क्या हुआ एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ पे अगेन यू कैन स्किप n इफ यू वॉन्ट, अगर आपने लगाना है आप लगाओ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, a 4b 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके बैक एक्सरसाइज में भी है, दिस इज योर इनटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ वी मूव ऑन विद अदर न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस न्यूमेरिकल। दिस न्यूमेरिकल इज ऑन डेंसिटी, इट्स अ वेरी टिपिकल न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल विथ सेल एज ऑफ 3.608 इनटू 10^8 सेंटीमीटर्स। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमिन्ड टू हैव डेंसिटी ऑफ 8.292 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। आई नो यू ऑलरेडी नो, बट आपको नियर अबाउट आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एज, एज इज ए, ए दिया हुआ है 3.608 इंटू 10^8 सेंटीमीटर्स। आपको डेंसिटी दी हुई है 8.92 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जेड एम ओवर ए क्यूब एंड एन नॉट। ठीक है, जहाँ जेड क्या है, रैंक, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। अब ये क्या है, इट इज गिवन दैट इट इज एन एफ सी सी, यहाँ पे दिया हुआ है इट्स एन एफ सी सी यूनिट सेल, तो आपका जेड क्या हो गया, 4 हो गया।
Avogadro's number is N0 6.022 × 10⁻²³. Density is given, edge is given. तो सारा कुछ आपने सिर्फ फॉर्मूला में डालना है, which implies आपका m क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, m m क्या हो जाएगा, density into a cube into n naught over z. मैंने क्या किया, ये दोनों को इस साइड ले गई और ये z को नीचे ले गई. तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, डेंसिटी. ओके, नाउ बिफोर सॉल्विंग प्लीज इंश्योर आपकी डेंसिटी ग्राम्स पर सीसी में है, तो आपकी एज किस में होएगी, सेंटीमीटर्स में. ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, ठीक है. समटाइम्स इट्स गिवन इन नैनोमीटर्स या पिकोमीटर्स, तो आपको उसको पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में दी हुई है, ठीक है. सो 8.92 that is the density into a cube 3.608 × 10⁸. यहाँ पे आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 3.61 हो गया, फर्दर 3.6 करके अंदाजे से 3.6 का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है. कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी. into n नॉट 6.022 × 10⁻²³ over z. z क्या है आपका, 4 है. सो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही है, डिविजन तो डिवाइड बाय 4 ही है सिर्फ, ठीक है. राइट, इसको आप सॉल्व कर लो. इसको सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 63.1. सो आप नियर अबाउट करके लिख लो 63.1 ग्राम्स पर मोल, ठीक है. राइट, या 63.1 यूनिट्स. सो ये आ गया. वैसे आपको पता है असली आंसर क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर हम क्या लेते हैं, 63.5, बट जो इस न्यूमेरिकल में गिवन फिगर्स थी उसको सॉल्व करके ये आ रहा था, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट मोर न्यूमेरिकल्स. बिफोर दैट अभी हमने डेंसिटी का न्यूमेरिकल किया. डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स मोर और लेस एक जैसे आते हैं, ओनली वन ऑफ द थिंग्स इज आस्ट, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है, बट डू प्रैक्टिस इट सो दैट यू रिमेंबर और यू मेमोराइज द फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अगेन ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द 2D दैट इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर पैक्ड लेयर. अब स्क्वायर आपको मैंने बताया था, टू डायमेंशन में दो तरह की पैकिंग होती है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, अगर बिल्कुल एक के नीचे एक लगा देते हैं, सो दिस इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लो, ये कितनों को टच कर रहा है, इट इज टचिंग 1, 2, 3 and 4. था ना, हमने ऐसे पढ़ के स्क्वायर बनाया था, दिस इज अ टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग. एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स दिस मॉलिक्यूल इज टचिंग, इट इज टचिंग 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4, ठीक है. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 0.5 मोल्स कितने एटम्स हैं. नाउ यू नो दैट 1 मोल इज 6.022 × 10⁻²³ एटम्स. तो 0.5 मोल्स कितना हो गया, 0.5 क्या होता है, 1/2 भी लिख सकते हो. इसमें कितने एटम्स हो गए, 6.022 × 10⁻²³ × 0.5, जो कितना हो गया, 3.011 × 10⁻²³ एटम्स. तो सबसे पहले आपने निकाला कि 0.5 मोल्स कितने एटम्स हैं, ठीक है. राइट, नाउ यू नो दैट अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसमें ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, n. टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2n. तो टोटल वॉइड्स कितने हो गए, n प्लस 2n, 3n, है ना. राइट, तो अगर आपने निकाला नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, नंबर ऑफ एटम्स थे आपके 3.011 × 10⁻²³. तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो जाएंगे आपके, 3 इंटू
टोटल वॉइड्स कितने हैं 3n, है ना, तो 3 × 3.011 × 10⁻²³ जो कितना हो गया, करिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी, 9.023 × 10⁻²³ वॉइड्स हो जाएंगे टोटल। इसमें से टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने हैं, आपने देखा था ना टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 2n, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने हुए 2n, दैट इज 2 × 3.011 × 10⁻²³ दैट इज 6.022 × 10⁻²³ टेट्राहीड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो हमने पहले 0.5 मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकाले, फिर हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो टोटल वॉइड्स कितने हैं 3n, तो टोटल वॉइड्स कितने आ गए 3 × द नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद उसमें से टेट्राहीड्रल कितने थे वो भी पूछा था, अलग से भी पूछा था, तो टेट्राहीड्रल कितने होते हैं 2n, सो 2 × 3.011 × 10⁻²³ इससे आपके टेट्राहीड्रल वॉइड्स हो गए। ठीक है, सो टुडेज वीडियो लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव कवर्ड मोर ऑर लेस ऑल द डेरिवेशंस, वी हैव कवर्ड पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी हमने, वॉइड्स पढ़े और हमने न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए एंड आपको अब तक पता लग गया होगा कि सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ईजी हैं, इसमें आपने मार्क्स नहीं लूज़ करने हैं, यू हैव ऑलरेडी डन सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो उनके न्यूमेरिकल्स के सामने इसके न्यूमेरिकल तो इज़ जस्ट अ केक वॉक, है ना। तो आपने बैक एक्सरसाइज में से इन टेक्स्ट में से इसके सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, इसमें बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं विच अगर आप राउंड ऑफ करके करो आ जाती हैं। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, सो मेक नोट्स, वॉच दिस वीडियो ट्वाइस, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।